वडोदरा में बाढ़ के चलते स्थिति काफी बेकाबू नजर आ रही है। विश्वामित्री नदी करीब 34 फीट पर बह रही है, जिसके चलते कालाघोड़ा ब्रिज आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस इलाके में विश्वामित्री नदी का पानी काफी हद तक भर गया है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के इलाकों में भी आवाजाही बाधित हो रही है। पूरे गुजरात में भारी बारिश के चलते रेल सेवा पर भी काफी असर पड़ा है, जिससे लोग भी परेशान हो रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा शहर में जिस तरह तेजी से बारिश बढ़ी और विश्वामित्री में जिस तरह पानी बढ़ता गया, कल शाम को जब यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए काला घोड़ा विश्वामित्री ब्रिज पर, तब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ टीम को तैनात कर दिया गया था। यहाँ सिक्योरिटी के बतौर यहाँ रखा गया था कई टीम मेंबर को, मगर आज सवेरे से करीब करीब 1 घंटे से हम यहाँ पर हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है, कोई टीम मेंबर यहाँ पर नहीं है, और इमरजेंसी के लिए बैरिकेड को हटाना पड़ता है। जब भी कोई एम्बुलेंस खासकर आती है, किसी हॉस्पिटल की गाड़ी यहाँ से जब गुजरती है, उनके लिए ये आवाजाही के लिए जारी रखना पड़ता है इस रोड को। अभी एक एम्बुलेंस को जाता हुआ देखकर एक रोड तो ओपन हुआ, बैरिकेड हटाया गया। यहाँ बैरिकेड हटाने के लिए कोई नहीं था, आम पब्लिक ने उस बैरिकेड को हटाया और एम्बुलेंस को जाने को रास्ता मिला, मगर फिर भी करीब करीब 1 से 1.5 मिनट तक उस एम्बुलेंस को वहां खड़ा रहना पड़ा। वीएमसी प्रशासन क्या कर रहा है? सिर्फ जब आप एक नियम लागू करते हैं, कोई भी चीज को लागू करते हैं, तभी सिर्फ टीम को तैनात करना होता है, उसे कंटिन्यू करना चाहिए। हम रात भर से ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप लोग कहाँ पर हैं? सवाल ये है कि जब आपने किसी भी रोड को बंद कर दिया गया है, किसी भी ब्रिज को बंद कर दिया गया है, तो वहां पर टीम को तैनात करना बहुत ज्यादा जरूरी है।